चलिए तो आज फिर लेकर के आ गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आज जो भी प्रश्न होंगे सब लेसन चार से होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रश्न को आप देखें और इससे पहले वाले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देखें। कहीं ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हैं 2 लाख में आईएएस बनने का? यदि सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग यानी शारीरिक संबंध बनाने के कारण कौन सा बीमारी फैलता है? ऑप्शन आपके पास है, मलेरिया ये फैलता है क्या शारीरिक संबंध से? नहीं फैलता है। एड्स ये तो फैल जाता है, यानी एड्स इसका सही आंसर होगा। डेंगू यौन संबंध के कारण नहीं फैल सकता। और री कहता है इनमें से कोई नहीं, तो अब ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। एड्स को एचआईवी भी बोलते हैं क्योंकि यह एचआईवी वायरस के कारण भी होता है, तो उसका सही ऑप्शन होगा एड्स। अब प्रश्न संख्या 2 कहता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा गोली है जो जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है? ऑप्शन आपके पास होगा, मालाडी ये भी सही है, ये तो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता। माला एन ये भी सही है, सहेली ये भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है। इसका मतलब इनमें से सभी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। माला डी, माला एन, सहेली तीनों गोली जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है, इसलिए इसमें का ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है? इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर डी हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, कब काउंटिंग हुआ था कि भारत में कितने जनसंख्या है, प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1951 में, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत, भारत आजाद होने के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ था, काउंटिंग कब हुआ था? 1951 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ए बी सी क्या होगा? गलत होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन होता है ना, जिसे विज्ञान पढ़ते हैं, जिसे जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान है कि नहीं, वैसा ही जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? केलोग्राफी कहलाता है, बिल्कुल गलत है। मनोजीव विज्ञान कहलाता है, बिल्कुल गलत है। बायोग्राफी कहला सकता है क्या? ये भी गलत है। क्या सही होने वाला है? डेमोग्राफी। क्या सही होगा? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन होगा? जनसंख्या का अध्ययन होगा। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, हम दो हमारे दो जैसे नारे चलते हैं ना परिवार नियोजन के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए इसके लिए, तो इस परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, कब से शुरू हुआ? ऑप्शन आपके पास होंगे, 1951, 1960, 1970, 1980। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1951 में, 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यही थे। ठीक है, प्रश्न कभी ऐसे घुमा करके भी पूछ देता है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जब आरंभ किया गया यानी शुरुआत किया गया, तो
उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, वायरस के कारण होने वाला बीमारी कौन है? चार ऑप्शन होंगे, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पोलियो का नाम तो आप लोग सुने भी होंगे, एड्स, इनमें सभी। तो बिल्कुल सही इसमें ऑप्शन डी है, क्योंकि पोलियो, फ्लू, एड्स जो भी इसमें ऑप्शन है, सब बीमारी जो है वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु जनित रोग है। कौन सा बीमारी है? विषाणु जनित रोग, विषाणु के कारण होने वाला बीमारी। अब आप बताइए कि ऐसा प्रश्न आपको कोई दे सकता है क्या पूरे चैनल पे? कोई नहीं देगा। एक एक प्रश्न जो है अपने आप में मिसाल है ना, तो इसको जलाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहां देखिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? यदि जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, अधिक हो जाए, क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ बढ़ेगा क्या? खाने वाला पदार्थ नहीं बढ़ सकता है। जमीन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी? नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है आय में कमी, बिल्कुल सही कहता है, आय में कमी तो होगा ही, जनसंख्या बढ़ेगा, आय में कमी होगा, जमीन में कमी, ये भी बात सही है, ये भी सही है, जमीन में भी कमी होगा। खनिज पदार्थ की कमी, ये भी घटेगा, ये भी क्या होगा? घटेगा। जनसंख्या बढ़ेगा, ये सब घटेगा। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सब क्रिया तो होगा ही। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। जनसंख्या बढ़ेगा तो इनमें सभी, आय में कमी हो जाएगी, जमीन घट जाएगा, खनिज पदार्थों की कमी होगी। आगे देख लेते हैं क्या होने वाला। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? दुरुपयोग, लोग उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, किस जांच में? चलिए देख लेते हैं। क्लॉथिंग टेस्ट, अमीनियोसेंटेसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एंजियोग्राम। कौन ऐसा जांच है जिसका दुरुपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, अमीनियोसेंटेसिस, एमिनियोसेंटेसिस को उलवेधन जांच भी बोलते हैं, चूंकि यह इंग्लिश वर्ड इसका लिखा गया, इसको उलवेधन जांच भी बोलते हैं, और इस जांच के सहारे बच्चे के लिंग का पता चल जाता है कि जो भ्रूण पल रहा है गर्भ में वह नर है या मादा। इस स्थिति में लोग गलत भी कदम उठा लेते हैं। मादा होने के स्थिति में कई एक बार ऐसा देखा गया है कि गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो इस जांच का लोग गलत भी फायदे उठाते हैं, यानी इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बैन भी कर दिया गया। तो ऑप्शन इसका बी जो है क्या है? सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है? जनसंख्या अधिक होने से मतलब इसके बाद क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न तो पहले भी था। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगा, आय में कमी आएगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, ये तो गलत है, ये संभव नहीं, नहीं संभव है ये। जन साधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये तो और गलत बात है। जनसंख्या बढ़े, संचारित बीमारी हो जाए, संक्रामक बीमारी, पूरे लोग जो है ग्रसित होने लगेंगे, है ना? तो ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता। इनमें से सभी, ये भी गलत है, सब तो सही है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगा, आय में कमी आ जाएगी। आगे प्रश्न क्या कहता है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जन्म नियंत्रण यानी वही जनसंख्या नियंत्रण की अधिक उपयुक्त विधि, अच्छा विधि सबसे किसे माना जाता है? गर्भपात कराना,
ये गलत है, ये गलत है। वीर सेवन करके ये भी गलत है। सहेली यानी जो दवा होता है इसका उपयोग करके ये भी गलत है। सबसे ये इसे जो है जन नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त इसे नहीं माना जाता। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है? बंध्याकरण यानी सर्जिकल करके, सर्जरी करके, नर नसबंदी या फिर जो है मादा नसबंदी करके यानी बंध्याकरण करके जन्म नियंत्रण यानी जनन नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या था, सही था। आगे प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न पर हम तो पहुंच चुके हैं। यह प्रश्न कहता है बिडाल किसके लिए उपयुक्त है? बिडाल जो कि जांच है किस बीमारी के लिए होता है? कौन ऐसा बीमारी है जिसके लिए बिडाल जांच किया जाता है? मलेरिया के लिए किया जाता है? गलत बात है, इसके लिए नहीं होता। फाइलेरिया के लिए होता है, इसके लिए भी नहीं होता है। टाइफाइड के लिए होता है, ये सही है। ये क्या है? सही है। एड्स के लिए? बिडाल जांच से एड्स को थोड़ी ना पहचान पाएंगे। बिडाल जब भी होगा किसके लिए होगा? टाइफाइड के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब प्रश्न कहता है जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? फिर वही बात, जन्म दर, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है जनन को रोकने के लिए? गिफ्ट नहीं होगा, आईवीएफ नहीं होगा, इससे जनसंख्या बढ़ाया जाता है ना। आईयूसीडीएस, ये डिवाइस होता है, इस डिवाइस का प्रयोग करके हम जन्म दर नियंत्रण जो है कर सकते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके? आईयूसीडी डिवाइस का। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब आगे प्रश्न क्या कहता है? परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काट कर बांधने की विधि को, परिवार नियोजन के लिए जनसंख्या कंट्रोल करना है, शुक्रवाहिका को यानी पुरुष में होता है ना, शुक्रवाहिका इसमें होगा, पुरुष में होगा, शुक्रवाहिका को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? तो जब शुक्रवाहिका को काट देंगे तो ये कौन सा नसबंदी हुआ? नर नसबंदी। ये कौन सा हुआ? नर नसबंदी। और नर नसबंदी को और क्या बोलते हैं इसको? तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी, नर नसबंदी। चलिए देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा, वेसिकोटोमी यानी नर नसबंदी। शुक्रवाहिका को काटेंगे, शुक्रवाहिनी को काटेंगे तो नर नसबंदी हुआ। फैलोपियन ट्यूब को यानी अंडवाहिनी को यदि काटे तो मादा नसबंदी होगा, लेकिन यहां किसको काटा गया? शुक्रवाहिनी को। चलिए आगे क्या कहता है प्रश्न? गोनेरिया एवं सिफिलिस कहां सबसे अधिक पाया जाता? गोनेरिया है ना, और सिफिलिस कहां सबसे अधिक होता है? कहां? ऑप्शन देख लेते। अफ्रीकन देश में होता है क्या ये सबसे अधिक? यूरोपियन में? पूरे विश्व में? एशिया देश में? कौन सा सही होना चाहिए? ये दो ऐसा बीमारी है ना जो पूरे विश्व में होता है और सर्वाधिक मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। गुनरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक होगा? पूरे विश्व में होगा, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां ना हो। चलिए आगे प्रश्न कहता है एक गर्भ निरोधक गोली अंडो उत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? किस प्रकार रोकेगा? जो हार्मोन का स्राव होता है ना, FSH, LH, इसी को रोक देगा, इसको रोक देगा, निषेचन का प्रक्रिया ही नहीं होगा। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? फैलोपियन ट्यूब को अवरोध करके, ये तो नहीं, ये तो गलत बात है। FSH एवं LH को रोक, ये सही है, ये सही है। FSH और LH को क्या करेगा? रोक देगा। जब रोक देगा, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, जायगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, फिर गर्भावस्था में बच्चा होगा नहीं, जन्म भी कैसे होगा? क्या देखिए, FSH एवं LH
प्रमाण को बढ़ाकर, ये तो गलत है, ये भी सही नहीं है और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है, सिफिलिस यदि बीमारी हो जाए तो किस जांच से हम इसको पता लगा लेंगे, किसे पहचान लेंगे इसको। ऑप्शन क्या कहता है, एलिसा, पहचान लेंगे इसे, नहीं पहचान सकते, एलिसा एड्स के लिए सही है, पीसीआर इससे भी नहीं पहचान पाएंगे, VDRL ये जांच होता है, अगर बीमारी हो जाए सिफिलिस और इसका जांच करना है, यदि लक्षण दिख रहा है सिफिलिस का तो कौन सा जांच होगा, VDRL होगा, VDRL से हम सिफिलिस बीमारी का पता लगा लेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, प्रकनली शिशु के लिए संबंध में सत्य है, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रकनली शिशु के संबंध में कौन सा इसमें से सही है, मादा के जननांग में निषेचन, क्या मादा के जननांग में निषेचन होता है, नहीं होता, जब इतना ही बात गलत है तो आगे क्या देखें, ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, जन्म से पूर्व ये भी गलत है, आगे क्या कहता है, जननांग से बाहर निषेचन, ये सही है, जननांग से निषेचन कहां होगा, बाहर होगा, निषेचन बाहर होगा, प्रकनली में होगा, तथा गर्भाशय में परिवर्तन और उसका विकास कहां होगा, गर्भाशय में होगा, ये तो सही बात है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, जननांग से बाहर निषेचन होगा, गर्भाशय में उसका परिवर्धन होगा, उसका विकास होगा, ऑप्शन सी सही है। अब 18 प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 18, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, उच्च मृत्यु दर, धड़क धड़क बीमारी के कारण लोग मरते जा रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस में लगातार मृत्यु बढ़ते जा रही है, तो इस घटना को जनसंख्या में तो तीव्र कमी होगा, कमी होगा, इस घटना को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व, ये तो गलत है, जनसंख्या घनत्व नहीं बोल सकते, जनसंख्या अवनमन, ये सही है, जनसंख्या का घटना जनसंख्या अवनमन कहलाता है, तो तीव्र कमी हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या अवनमन कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे क्या, ये तो नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ता है ना अचानक से तो उसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, उपरोक्त सभी ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 18 के लिए बी सही है। अब प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है इसको देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्न में से किसे कपरेटी रोकता है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बुक में इसका आंसर जो है गलत भी दे देता है, अब बच्चा जो है मेहनत किया, गलत आंसर याद किया, जाके कलर किया, उसमें घर पे आके एक नंबर प्लस कर लिया, लेकिन गलत जानकारी होने के कारण उसका नंबर घट जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसे कपरेटी रुकेगा, कपरेटी कभी भी निषेचन को रुकता है, शुक्राणु को अवरोध कर देगा, कपरेटी कपर आयन बाहर निकालेगा, शुक्राणु जो है मूर्छित हो जाएंगे ना, मतलब वो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, निषेचन नहीं होगा, अंडोसर्ग वीर्यपतन आरोपण ये सब को नहीं रोकेगा, किसको रोक देगा, निषेचन को रोकेगा, तो 19 के लिए ऑप्शन सही ए है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या कहता है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मादा नसबंदी बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाता है, अंडवाहिनी जो नली होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, और क्या बोल सकते हैं, नलिका उच्छेदन ये भी बोल सकते हैं, नलिका उच्छेदन भी बोल सकते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन ये तो नहीं बोलेंगे, ये तो पुरुष में होता है ना, यहाँ बात किसका किया जा रहा है, महिलाओं का, प्रत्यारोपण ये तो गलत है, रोधक ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। तो 20 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको डेली जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा, तो यह चैनल आपके बारे में सोचता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को और कहीं भी सेंड करें, ताकि बच्चा बच्चा पढ़ सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।